कैसी लड़की होगी जिसने तुम जैसे लड़के को छोड़ा। मैं भी रोज खुद से यही पूछता था, Why me? क्यों? ये तो उसी का बैड लक है ना आंटी, उसी में इतना टैलेंट नहीं है कि वो मुझ जैसे अमेजिंग इंसान को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि अब मेरी नजरों में तुम्हें बेस्ट। और यही बात ना आपके लिए भी जाती है आंटी कि भवानी चिटनेस इज द बेस्ट, शी इज अमेजिंग, उनसे अच्छा और कोई है ही नहीं। पूछिए क्यों? क्यों? अरे इस पागल बैंकर को इतना पाल पोस के बड़ा जो किया आपने, उसके बाद भी आपके सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। तुम्हें ना आप हमें से कुछ भी बोलता है। सॉरी आंटी, रियली सॉरी। मुझे वाकई में पता नहीं था कि मॉम ये सब प्लान कर रही है। अगर मुझे पता होता ना तो आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को कभी इनवाइट ही नहीं करता। जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें पता नहीं था, जयेश को तो सब कुछ पता था ना, फिर भी वो सबके सामने हमें शर्मिंदा। मेरा छोड़ो, लेकिन अमो हर्षु उनके बारे में तक नहीं सोचा। क्या कर सकते हैं आंटी, कुछ लोग होते ही ऐसे, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ औरों के बारे में सोचते हैं। फिलहाल तो आपकी बेटी ये सोच रही होगी कि मेरा मर्डर कैसे करा। और क्या, उसके हिसाब से तो ये सभी मैंने ही किया होगा ना, हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करती है आंटी। इससे पहले वो मेरा खून कर ले आंटी, प्लीज चलो उसके पास, प्लीज। आई चलिए आंटी। भवानी कहीं नहीं मिली अबू, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, आसपास भी देख लिया, टेरेस तक देख कर आ गई, नहीं है वो। आयशा पर जान आंटी, इस बार अगर मेरी आई को कुछ हुआ ना तो मैं उस जयेश चिटनेस को छोड़ूंगा नहीं। कुछ कुछ नहीं होगा आई को, नहीं बस बहुत हो गया आंटी, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। वो इंस्पेक्टर साहब आई के जानकार हैं, उनका नंबर उन्होंने कहा था कुछ जरूरत होगी तो फोन करने के लिए। उस विराट के कहने पर हमने अपनी पिक्चर की प्लानिंग कैंसिल कर दी और ये सब हो गया। सारी प्रॉब्लम की जड़ वो विराट है। Thank you.
हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, पुलिस में कॉल करने वाले थे हम। माफ कर दे, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बिना बताए चली गई, लेकिन मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। मैं ना मुसीबत बन गई हूँ। तुम लोग चुप कर, बिल्कुल चुप कर तू। मैं हाजी को फोन करके शिकायत करूंगी। आदित, तू क्यों नहीं समझती हम दोनों के होने की वजह है तू, हमारे जिंदा रहने की वजह है तू। तो अगर ये याद रखेगी ना, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं और हर्षा सब संभाल लेंगे, तू भरोसा कर प्लीज। पसीना, तू तेरा बीपी बढ़ गया है क्या? तू सच बता, तेरी तबीयत ठीक है? तू ठीक है? हाँ, पहले नहीं थी। अब हो गई हूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर। अमु, मैं इसे घर ले चलती हूँ, चाय बना के देती हूँ। हाँ, पी ले, अच्छा लगेगा। चल चला। जो हुआ उसके लिए भी ब्लेम करो मुझे, क्योंकि थैंक यू की उम्मीद तो तुमसे है भी नहीं। हर बार जब भी कुछ अच्छा किया तुम्हारे लिए, तुमने मुझे गलत ही समझा। सुम रेडी, बोलो आज क्या बोलना है। बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आपको समझाते समझाते मैं समझ गई कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। हमेशा शक ही किया तुमने मुझ पर, काश कभी भरोसा भी किया होता तो मैं आज तुम्हें वो सारी बातें बताता जो तुम्हारी आई और मेरे बीच हुई। बताता तुम्हें कि तुम्हारी आई कितनी तकलीफ में है। मेरी आई की तकलीफ का फायदा उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन वो अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। साथ तो दूंगा मैं भवानी आंटी का, और उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कल बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मॉम, लेकिन इस बार सेलिब्रेशन की जगह तो वो चिटनेस फैमिली का ड्रामा ही होगा। अरे ड्रामा तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद चिटनेस फैमिली की शक्ल हमें कभी देखनी नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो मैंने ये सब प्लान किया है। मॉम, और आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है ना हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की थी उस अमृता ने, तो पता है ना कितना हंगामा किया था उसने। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो उसने मेरी और विराट की फ्रेंडशिप खराब कर दी, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मॉम, प्लान सही है, वो लड़की इसी लायक है। एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद अमृता और उसकी माँ पछताएंगे कि उन्होंने अपने औकात से बड़ी दुश्मनी क्यों ली, हमसे क्यों भिड़े, जिंदगी पर अफसोस मनाते रहे क्यों। हाँ मॉम, लेकिन हम लोग अपना टाइम उन लोगों पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आई मीन इट्स होली, और मेरी और राजीव की तो पहली होली है, तो हम लोगों को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए ना। मॉम जो कर रही है मिमी, हमारे लिए तो कर रही है। उस अमृता ने हमारी लाइफ में कितनी दिक्कतें लाई है, तुम्हें मॉम का साथ देना चाहिए। मैं होता ना डंगे के चोट पे साथ देता, बट वो विराट है ना, उसको दिक्कत है ना मुझसे। बट ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो काम मैं नहीं कर पा रहा ना वो तुम्हें करना है प्लीज। और मिमी, इस टाइप के लोग तुम्हें जिंदगी भर मिलेंगे और उनसे तुम्हें निपटना पड़ेगा। घबराओ मत, मैं सिखाऊंगी ना तुम्हें। ओके मॉम। ये होली चिटनिस फैमिली की जिंदगी को बेरंग करने आ रही है,
लेकिन तुम दोनों की ये पहली होली है, इसलिए उसका असर तुम दोनों पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, होली के दिन सबसे पहले तुम दोनों एक दूसरे को रंग लगाओगे, इससे प्यार का रंग और गहरा हो जाता है। और यू नो व्हाट, ये बात मेरी मॉम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हैं। ऑफ कोर्स, अरे आज भी दिलदार जी और मैं होली के दिन एक दूसरे को सबसे पहले रंग लगाते हैं, हक से। सो स्वीट। हेलो, हाँ सर, वो डिवोर्स पेपर्स तो मैंने फाड़ दी। मैं बस ये प्रूव करना चाहती हूँ सर कि मेरे आई पापा का भी डिवोर्स नहीं हुआ, और क्योंकि पापा शादीशुदा हैं, वो शादी नहीं कर सकते। ओ, मतलब अमृता आप कानून का सहारा ले रही है अपने डैड के एंगेजमेंट रुकने के लिए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं सर, आप आएंगे ना तो ही ये लोग हमारी बात को सीरियसली लेंगे, और जो भी सवाल जवाब करना होगा सब आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगा ना सर। और मेरी आई के रहते बाबा दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये बात आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सर, कल मिलते हैं। इतनी चुप भी अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ, आज कुछ नहीं बोलना? तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि कुछ अंदर है जो बाहर निकालना चाहती हो, कुछ बोलना चाहती हो, तो बोलो ना। वैसे भी तुम्हारे झूठे इल्जाम सुनने की ना आदत हो गई है मुझे। वो इल्जाम झूठे नहीं है ना सर, हकीकत है। बिना किसी सबूत के आपने मुझ पे 10 करोड़ की चोरी का इल्जाम लगाया, हमारा घर छीन लिया उसे। आपने कहा धमाका होगा, हमें सांस नहीं लेने देंगे, और हमारे गैस सिलेंडर में आग लग गई। ये सारे इंसिडेंट्स इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना सर। ऐसा तो कोई तभी करेगा जब वो मुझसे नफरत करता हो, और आपसे ज्यादा नफरत मुझसे को। हाँ, एक और इंसान है जो मुझसे बहुत नफरत करता है, वो है आपकी मम्मी। लेकिन इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन पे इल्जाम लगा दूं तो कैसा लगेगा आपको? अगर आप मेरे साथ बुरा नहीं करना चाहते, कोई और करना चाहते, अब वो इसी घर में रहता है। अपने पे एग्जाम लगता देख बुरा लगता नहीं सर, मुझे भी अपनों को तड़पता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आपने मेरी आई को उस माहौल में क्यों बुलाया, जहाँ उसका घर टूटने वाला, उसका दिल तोड़ने के लिए। ऐसा तो वही कर सकता है ना जिसमें जरा से भी इंसानियत ना बची। कर दिया आपने, सही कहते हैं, छुप छुपा कर नहीं करते कुछ, जो करना है मुंह पे करते। मैं भी आपके मुंह पे बोल रही हूँ सर, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी, आप भी मुझसे बात मत कीजिए। मुझे कोई किला शिकवा नहीं करना, ना कोई इल्जाम लगाना। कोई इल्जाम नहीं लगाना तो अभी क्या किया? खुद बोलती हो कि कोई इल्जाम नहीं लगाना, फिर इल्जाम लगाती हो, हाँ? नफरत करती हो मुझसे। ओके फाइन, एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए ना, ये काम और आसान कर देता हूँ। नफरत करती हो ना मुझसे, सो गो अहेड, करो नफरत,
बस इतना बता दो इस नफरत का रंग क्या होगा। गहरा काला या तुम्हारी आंखों जैसा काला? मुझे आपके किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे, नहीं कर नहीं पाता आपसे। जानती हूँ होली के दिन दुश्मन भी गले लग के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं होली के दिन आपसे दोस्ती की गुंजाइश ही खत्म करती हूँ। सुपर्ब, कर दो। दोस्ती की गुंजाइश खत्म कर दो, नफरत करनी है तो नफरत करो, जितनी नफरत करनी है ना करो। मुझे भी होली होली खेलने का कोई शौक नहीं है, इनफैक्ट एलर्जी है होली से उतनी जितनी तुमसे है मुझे। मुझे रंग है ना, इनको इनको देख के चिड़मचती है मुझे। इनफैक्ट मैं ना बिल्कुल होली नहीं खेलूंगा, नीचे जाऊंगा, काला चश्मा पहन के जाऊंगा ताकि किसी का रंग ना दिखे मुझे, ना प्यार करना ना तुम्हारी ये नफरत का। हैप्पी होली बैंकर। थैंक यू। मेरी आई को ढूंढने के लिए वेलकम। अरे मेरे हीरो हीरोइन के बिना होली नो वे। तुम दोनों का होली मिलन तो होकर रहेगा, आफ्टर ऑल पिक्चर तभी तो बनेगी ना। अब कल जो भी होगा ना वो मेरे प्लान के हिसाब से होगा। क्या गलत टाइम पे फोन किया तूने? नीचे रुक, मैं आ रहा हूँ। मैं घर के दरवाजे के बाहर हूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? वहीं रुक। ओए, दिमाग खराब हो गया तेरा? यहाँ क्या कर रहा है? सर कितना इंतजार करता नीचे, कल होली है, धंधे काटते हैं। धीरे बोल, धीरे, माल निकाल। ले लीजिए। अगर असली नहीं हुआ ना तो पूरे पैसे वापस ले लूंगा। अरे सर होली का रंग उतर जाएगा पर इस भांग का नशा नहीं उतरेगा। एक गोली में मामला सेट, ये तो सात गोलियां हैं। धीरे 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 भाई, क्या कर रहा था? बच गया। क्या तुझसे बात कर रहा था क्या? ब्रो फोन कॉल, बिजनेस डील थी यार। बिजनेस डील? तेरी बिजनेस डील थी क्या? पागल समझ रखा तूने मुझे? तू यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मेरी मॉम चाहती है, अगर मॉम नहीं होती ना तो कब कब। पिछली बार जब तू बिजनेस डील करने गया था तो याद है ना क्या हुआ था? मेरे डैड ने बचा लिया तुझे, वरना जेल में चल रहा होता था। इसलिए नाटक मेरे सामने मत कर, अच्छे से जानता हूँ तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और अगर तेरी वजह से मेरी फैमिली या मेरे फैमिली वालों को कुछ हुआ ना तो उस पर पीछे नहीं हटूंगा मैं। यू पे फॉर इट, याद रहा था मुझे। पे तो करना ही है विराट, लेकिन इस बार मुझे नहीं तुझे और तेरी उस स्वीट बैंकर को भी। बुरा ना मानो, होली है। चलो नीचे होली खेलने वाला ये बेचारी। अरे मम्मी संभाल के, अगर ये खराब हुआ ना तो धी तो मेरी जान ही ले लेंगी। आई स्वेयर। सो सॉरी। चलो ना नीचे। ये मेरा मन नहीं है। तुझे पता ना मेरी प्रेजेंटेशन, उस पे काम करना है मुझे। तुम लाइक होली तुम्हें। मुझे खेलना पसंद ही नहीं है। काम करो, तुम लोग जाके खेलो। हाफ क्या भाई, आप भी ना। मुझे लगा था कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुके हो, पर इस बार तो हम मुंबई में हैं तो मुझे लगा होली सेलिब्रेट करोगे आप। देखो ना भाई, शादी के बाद मेरी पहली होली है। आई नो,
मैं कितना भी बोलूं आप मेरे साथ नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा अपने पास को प्यार करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। रहने दो, बने रहो ऐसी बोरी। अरे निम्मी छोड़ ना, वैसे भी विराट कोहली खेलने ना ही आए तो ही अच्छा है ना, बेकार में उसका मूड खराब होगा। क्यों मासी? अरे आज जी सगाई करवा रही है ना इशिका और जयेश जी की। वाव मॉम, आप बिना एक नंबर की ड्रामेबाज। सगाई? हाँ, और फिर उसके बाद हम सब जम के होली खेलेंगे और फिर तय करेंगे इशिका के संगीत और शादी की तारीख। पर तू इतना चौंक क्यों गई? कल दीने बताया तो था सबको कि इशिका की शादी की सारी तैयारियां वो खुद करेंगी। तुम लोगों ने सुना नहीं होगा शायद। कोई ना, अब अमृत हल्ले क्या, मैं जरा नीचे की तैयारियां देख के आती हूँ बेटा। नीचे होली की जगह दिवाली मनेगी, बॉम्ब फूटेंगे। बॉम्ब को रोकने से भी इशिका और जयशंकर की एंगेजमेंट तो नहीं रुकेगी। इसका मतलब मुझे नीचे जाना ही होगा। मैं कब से पीस मेकर बन गया यार। यस, अब मेरा भाई अपनी बैंकर के लिए होली में शामिल जरूर है। हाँ तो निम्मी की बच्ची क्या कह रही थी? मैं बोल रही हूँ अब तू देख, ऐसी होली खेलूंगा ना कि सब कहेंगे विराट सिंह ऊर्जा से अच्छी होली। अरे क्यों पानी नहीं? विराट अभी तो मुझे बोरिंग कह रही थी ना, मुझे विराट रहने दे। अरे हट आगे से। पानी नहीं विराट भाई, प्लीज विराट भाई पानी नहीं, प्लीज 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 पानी नहीं, पानी नहीं विराट। विराट क्यों पानी नहीं? अभी तो तू तंग कर रहा है उसे, बचाओ ना प्लीज। तू फिर से बीच में आ गया, हर बारी बीच में क्यों आता है? हट, अरे जाने देना। अजीब आदमी है, कहते कुछ है करते कुछ। विराट और अमृता की होली की शुरुआत और इनकी जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत साथ साथ इस भांग की गोली के साथ।